नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। लोहरदगा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामा और दो भांजी ट्रैक्टर की चपेट में आए, स्थिति गंभीर। लोहरदगा जिले में लगातार सड़क दुर्घटना की घटना देखने को मिल रही है, जहां तेज रफ्तार वाहन की चपेट में लोग आ रहे हैं। इसी बीच लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत ईटा बाजार टांड में स्कूल जा रहे मामा और दो भांजे तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आ गए, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दोनों बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत को देखते हुए दोनों बच्चों को रिम्स रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि ईटा गांव निवासी चंद्र कुमार स्कूटी में सवार होकर अपने दो भांजे 7 वर्षीय अमन कुमार साहू और 14 वर्षीय युवराज कुमार साहू को लेकर यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल रिजल्ट लाने जा रहे थे। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से तीनों को लोहरदगा सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बच्चों को रिम्स रेफर कर दिया गया।